नमस्ते दोस्तों दोस्तों आज हमारी और आपके बीच जो बातें होंगी वो चंद्रयान 3 को लेकर। आप सभी को यह पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड और समुद्र जिसका कोई सीमा नहीं है दोस्तों, इसका कोई अंत नहीं है और यहाँ कई ऐसी परिघटनाएँ घट रही हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो कि हमारे कल्पनाओं से भी परे है। हमारा चंद्रयान 3 का जो मिशन है जो कि दिनांक 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था और दिनांक 23 अगस्त 6:04 पर चंद्रमा के लूनर सरफेस पे जो कि दक्षिणी ध्रुव है चांद का, जहां अभी तक कोई दूसरा देश कभी भी नहीं आया है, वहां पर भारत ऐसा देश बना जो कि चंद्रयान के 3 के माध्यम से चंद्रमा का उस हिस्सा में जो कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव कहलाता है लूनर सरफेस, वहाँ पर पहला ऐसा देश बना जो अभी तक पहुँचा है। चूँकि चंद्रयान 3 की सेफली लैंडिंग से हम लोग बहुत खुश हैं जो कि बहुत बड़ी मुकाम हासिल हुई थी भारत को। आप सभी को यह तो पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के जिस बिंदु पर अर्थात चांद के जिस केंद्र पर उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी उस स्थान या उस बिंदु का नाम शिव शक्ति रखा गया था। शिव शक्ति जो कि भारत देश के हिंदू रिलीजन गॉड्स को रिप्रेजेंट करता है। यह एक बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छी बात रहेगी चंद्रयान 3 की सफलता को देखते हुए चांद पर हिंदुस्तान के लोगों ने अपने भगवान को जगा दिया उनके नाम के जरिए। ये तो बात रही जो कि हमने चंद्रयान 3 की सफलता से हासिल की है। अब जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ काफ़ी दिलचस्प बातें होंगी, आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी दोस्तों। चंद्रयान 3 का जो मकसद रहा है वो मात्र कुछ दिनों में ही उसने उस मकसद को निभाया। दरअसल क्यों ही देश किसी यान को किसी दूसरे प्लैनेट या किसी दूसरे ग्रह या जहाँ पर जीवन मौजूद है वहाँ पर भेजते हैं, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि वहाँ से कुछ ज़रूरत और ज़्यादा से ज़्यादा वैसे इन्फॉर्मेशन को गेन करना जो कि अभी तक फिलहाल हमारे पास नहीं है। हम उससे अपरिचित हैं, उन फैक्ट से उसके कुछ फैक्ट उसके कुछ गुण से अपरिचित हैं, उसी गुण को पता लगाना अर्थात उसी का खोज करना होता है। क्योंकि चंद्रयान 3 के द्वारा भारत पहला देश बना जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव सरफेस से सबसे पहले कदम रखा है, साथ ही साथ उसने एक ऐसा व्याख्या किया है जो कि आपको हैरान कर देगा। दरअसल चंद्रयान 3 ने जो लूनर सरफेस पर जो तापमान मेजरमेंट की वो काफ़ी हैरानी वाली बात है। उसके एक बिंदु पर जो कि तापमान को रीडिंग किया गया था वो 50 डिग्री सेल्सियस है। आप सोच सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे आदमी को गर्मी से झुलसा दिया जाने वाली तापमान होती है, जहाँ लोग गर्मी से मर जाते हैं, फसलें जल जाती हैं, वैसे तापमान चांद के उस बिंदु पर है जहाँ पर अभी फिलहाल चंद्रयान 3 है। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं रही, उसके आसपास के जो तापमान है वो उससे भी अधिक है, 60 डिग्री से 70 डिग्री सेल्सियस को मेजरमेंट किया गया है। और इससे भी बहुत बड़ी हैरानी की बात हुआ रही है कि जिस स्थान के जिस पॉइंट पे 50 डिग्री सेल्सियस को मापा गया था उसी बिंदु के ठीक मात्र 8 सेंटीमीटर डेप्थ यानी गहराई में जो तापमान मेजरमेंट किया गया है वो काफ़ी चौंका देने वाली है। वह तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से घट के -10 डिग्री सेल्सियस, जिससे साइंटिस्ट भी अचंभित हो गए, भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक सर्फेस के मात्र इतना सा डिस्टेंस पे जलवायु का इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। फिलहाल चंद्रयान 3 ने जो ग्राफ भेजा है उसके द्वारा यही स्पष्ट हो रहा है कि चांद का जो सरफेस है उसकी ऊपरी परत और मात्र 8 सेंटीमीटर गहराई पर लूनर सरफेस की जो परत है वो उसमें जो मौसम व जलवायु का जो डिफरेंस है काफ़ी अधिक है, बहुत अधिक है। आप समझ ही सकते हैं -10 डिग्री जहाँ पर कोई भी लिक्विड जम जाए वो भी मात्र 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये एक तरह से ये भारत के द्वारा बहुत बड़ी खोज हुई है जो कि चंद्रयान 3 के द्वारा की गई है और भारत अभी और खोजों को करते रहेगा। हमें आशा है कि जल्द से जल्द हमारा चंद्रयान हमारे इस मिशन को और सफल बनाएगा और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्स और खोजें करेगा जो कि अभी तक फिलहाल जिससे हम